सभी भैया ने सुबह की राम राम भाई सभी ने। ऊपर है भाई बढ़िया सीन, ये देख लो भाई ऊपर की साइड में, ये अपना चित्तक ऊपर पहाड़ियाँ। अब गाड़ी पे करते हैं स्टार्ट, गाड़ी करें स्टार्ट। ये है भाई होटल, ठीक था भाई रूम तो, बाथरूम में स्मेल थी भाई भयंकर। खाना अच्छा था, खाना बिल्कुल अच्छा था भाई। होगी भाई पहले झटके में स्टार्ट है भाई। चिटकुल है यहाँ से 114 किलोमीटर, 4 घंटे 7 मिनट दिखा रहा है, और टाइम हो रहा है अपने 7:23। चलो भाई निकलते हैं, चलो करते हैं जाने शुरू चिटकुल के लिए। रामपुर से निकल गए भाइयों और चलना है अपने चिटकुल। ये देखो भाई बाइक वगैरह जा रही है आगे आगे, एडवेंचर बाइकर, देखते हैं आगे मिलते हैं भाई। मेगावाट ये जगह है भाई, कोई 1500 मेगावाट अथवा जागड़ी जल विद्युत स्टेशन आपका स्वागत करते हैं। ये रामपुर बसर में जो स्टेशन था ना बिजली का, वो है भाई यहाँ, यहाँ बिजली बनती है 1500 मेगावाट। भाई प्योर बर्फ का पहाड़ है, यही जाना है अपन को। भाई ये देखो सामने झरना, मेन अट्रैक्शन इस रोड का। हर वीडियो में आपको ये झरना दिखाई देगा हर यूट्यूबर के चैनल पर। यहाँ लगा के धोते हैं लोग गाड़ियाँ, कब कर दिए इसको मेरे ख्याल से बंद। ये देखो भाई ये अब कर दिया इसको बंद कर दिया भाई, सीढ़ी वगैरह लगा के कुछ आगे आएगी भाई अब चौकी। चलो यहाँ बनाते हैं एक दो रील फिर निकलेंगे आगे भाई, यहाँ स्टॉप करते हैं यहाँ पर। एक ये देखो भाई यहाँ दोस्ती दुनिया गाड़ी तगड़ा। लो भाई आ गई चौकी, यहाँ पे साइड में लगवा रहा भाई, लगाते हैं चलो साइड में। और यहाँ भाई एंट्री होगी अपनी गाड़ी की और अपनी खुद की। चलो लगाते हैं गाड़ी, ये चलते हैं एंट्री करवा के तो निकलेंगे आगे। चलो भाई करते हैं गाड़ी को बंद फिर निकलेंगे आगे। चलो भाई चलते हैं। होगी है भाई एंट्री, यहाँ कुछ नहीं भाई, आपके गाड़ी का नंबर और आप कहाँ से आए हो कहाँ जाओगे यही पूछ रहे हैं बस, और कुछ नहीं। टाइम इसलिए लग गया कोई चोर चार भाग गया भाई यहाँ से, चलो चलते हैं। और भाई इस वजह से हो गया यहाँ थोड़ा लेट, और चेकिंग वगैरह भी कर रहे थे यहाँ पे सभी गाड़ियों की। निकलते हैं भाई आपके निकलेंगे। ये भी भाई एक मेन अट्रैक्शन की जगह है, पहाड़ के बीच में से काट के रास्ता बनाया गया है। ये देखो भाई ये एक नंबर सीन है भाई, ट्रैफिक आज नहीं रुक के, यहाँ भी रील बनाते पर चलेंगे अपन सीधे
ये देखो ऊपर देखो भाई, और ये देखो सामने एकदम से निकलेगा रास्ता सामने। ये आ गए भाई शहर है ये भावनगर, भावनगर शहर भाई ये देख लो भावनगर शहर। ये रास्ते में आता है अपने चिटकुल के और काचा स्पीति के भी भाई। भाई बस इतना ही था लग रहा है भाई। साइड में है कोई बांध, यहाँ पे लाइट बनती है। ये आ गया भाई अपना चिटकुल के लिए रास्ता दाएं हाथ को, राइट साइड में चिटकुल है यहाँ से 42 किलोमीटर। अब इस फ्लाईओवर से अपन होंगे राइट को। चलो मोड़ते हैं भाई। ये देखो भाई ब्रिज है एक नंबर का, यहाँ से होना पड़ेगा अपन को लेफ्ट साइड में भाई बाएं हाथ को। चलो इस साइड में भी बांध है भाई अपने लेफ्ट साइड में, दिखेगा आगे आपके थोड़ा सा। ये देखो साइड में भाई लेफ्ट साइड में बांध तो हो गया भाई। इस साइड से आया हूँ मैं, वो रास्ता था उस साइड में आगे वहाँ पे, अपन नीचे वाले पुराने वाले रास्ते चलेंगे, गोरा पुलिया उसके अंदर से जाएंगे उसके ऊपर से, देखते हैं क्या रहता है। डेंजरस है वैसे तो, पंगा उल्टा। ये भाई भैया जा रहा है वहां पे भाई चिटकुल का रास्ता। जय भोलेनाथ जय महाकाल भाई। ब्रिज क्रॉस करने की वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि बनाने लग गए थे यहाँ वहाँ पे। अपन रील इंस्टाग्राम फॉलो करो, वहाँ पे जाके देखो यहाँ की रील फॉलो जरूर करना भाई, और इसको भी फॉलो कर लेना, बेल आइकन दबा देना। अपन आए हैं उर्दू सी पहाड़ी साइड से, ये जो राइट साइड में चल रही है ये अपने, और ये देखो भाई एक रास्ता तो ऐसा ही है, अब की बार एंड में एंड आ गया। फिर लेफ्ट को फ्लाईओवर क्रॉस करा, फिर वे राइट को चलना लग रहा है भाई। और सामने देख लो भाई ऊपर चिटकुल जहाँ अपन जा रहे हैं, बर्फ ही बर्फ। अरे भाई ये देखो चीज यार, ये भाई गिद्ध, गिद्ध कई सालों बाद देखने वाला हिंदुस्तान में से लुप्त हो गए भाई, लाखों में थे अब तो बहुत ही कम बचे, कम ही लोग देख पाते होंगे इनको भाई। ये देखो पूरा एप्पल का ऑर्चर्ड है, एप्पल का बाग पूरा ऊपर एप्पल है नीचे, और बर्फ है अभी ये कटाव पे आएगा, बर्फ खत्म होते कटाव पे आ जाएगा भाई। तगड़ा सीन है
एक नंबर है भाई, बर्फ ही बर्फ है भाई यहाँ पर। जय महाकाल, शिव जी का मंदिर है भाई। असली मजे ब्लैक आइस है भाई, गाड़ी दूर जा रही है भाई, गाड़ी पूरी हिल गई। यहाँ तो भाई ऑफ रोडिंग भी होगी सारी, विश्राम गृह हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल व्हाइट है भाई, नीचे व्हाइट बर्फ बर्फ पड़ी है, कल या परसों या फिर आज पड़ी होगी रात को, पेड़ों को देख के बता रहा हूँ भाई। और भाई फोन नहीं लगा रखा भाई अपन ने, लगा इस पर भी कटी चिकनी है, चिकनी चिकनी
सामने आ गया भाई चितकुल, चितकुल लास्ट विलेज, इंडिया लास्ट विलेज। ये भाई चितकुल विलेज, कई बोर्ड लगा रखे हैं भाई चितकुल के, इंडिया लास्ट विलेज के, वेलकम टू बसपा रिवर कैंप, किसी कैंप वाले का भाई ये तो। चलो भाई चलते हैं, क्यों वो उधर है भाई चितकुल, होगी पता है भाई अपनी लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। आने वाला भाई लास्ट विलेज चितकुल तिब्बत बॉर्डर का लास्ट विलेज है ये चितकुल, भाई सारी बर्फ से भरी पड़ी है पहाड़ियां। सामने आ गए भाई गांव की आ गई बिल्डिंग आ गई भाई, ये होटल वगैरह भाई साइड में कैंप वगैरह बंद है भाई फिलहाल तो, ये सारे कोई ओपन नहीं है, कोई होम स्टे मिल जाए तो मिल जाए, वो अभी 3-4 होम स्टे मिलेंगे चितकुल में भी खाली, पर अपन को तो रुकना नहीं है, वापिस जाना है भाई, यहाँ से कुछ रील वगैरह बनाएंगे और आपको दिखा के भाई फिर निकल जाएंगे यहाँ से वापिस, स्पिलो के लिए निकले हैं भाई, जहाँ भी जाए कल्पा का है स्टे तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचेंगे, कल्पा करेंगे स्टे आज नाइट को। जुकाम लग गया भाई तगड़ा, आपको भी आ गई होगी समझ में, छोड़ छोड़ हो रही है। ये दिख गया भाई देखो कैंप वगैरह है, होटल वगैरह है सामने, सारों की छत डाल रखी इन्होंने ग्रीन कलर की, ये कैफे वगैरह है भाई, कोई बिल्कुल आइस आ गई भाई व्हाइट, नीचे भाई थोड़ी ब्लैक आइस है, वैसे तो ऊपर व्हाइट आइस है, गाड़ी उधर उधर हो रही है पीछे से, क्योंकि इस गाड़ी में पीछे बिल्कुल वजन नहीं है, मेन वजन तो आ गई है। ये भाई यहाँ जियो का टावर है और एक एयरटेल का, अच्छा नेटवर्क आता है जियो और एयरटेल का यहाँ पे, जियो पोस्ट पेड तो और भी अच्छे काम करती है थोड़ी, यहाँ पे एयरटेल भी ठीक है भाई। भाई बढ़िया नजारे हैं वैसे देखो, आओ जरूर भाई घूम के जाना, यहाँ तो भाई कुछ पेड़ भी नजर आ रहे हैं, देवदार के हैं बिना चीड़ के हैं, चीड़ के पेड़ है भाई, देवदार बोल दो भाई चाहिए इनको। टूरिस्ट आए हुए हैं भाई यहाँ टेम्पो ट्रेवल, बहुत चलते हैं भाई हम, ये तो भाई एल्टो दिखाई देंगे आपको, पहाड़ों की रानी एल्टो, ये लो भाई गांव का आ गया बोर्ड, ग्राम पंचायत चितकुल आपका हार्दिक स्वागत करता है करती है। भाई जहां तक जाया जाएगा ना वहां तक चलेंगे, आगे वैसे जाने नहीं देगी आर्मी है, आगे आर्मी कैंप है तो जाने तो मुश्किल ही देंगे, और बाकी देखते हैं।
चले चले भैया भैया आगे तक कहाँ तक जाने देते हैं? चेक पोस्ट बहुत ही मटरा की पट्टी है। भाई 2 किलोमीटर आगे तक बता रहा है बंदा कि 2 किलोमीटर के बाद चेक पोस्ट है, उसके बाद आगे नहीं जाने देंगे। तो वहाँ तक तो चलते हैं लास्ट एंड तक। प्योर ब्लैक आइस है भाई, नीचे गाड़ी इधर उधर हो रही है। वो 4x4 लगा चुका भाई, मैं भी जस्ट लगाया है। यहाँ भी ईंट आ रही है भाई, रेड भाई बस कच्ची ईंटों के मकान बनाते हैं क्या, फिर लकड़ी की। लास्ट विलेज बुक कर दिया भाई, बाय बाय, आगे चलते हैं क्या मिलता देखते हैं। भाइयों ये है लास्ट एंड आर्मिया मेरे ख्याल से, रक्षक चितुकु वन्य प्राणी स्वतंत्र स्वागतम। ये देखो भाई ऊपर बर्फ, ऊपर है बर्फ तो असली। देखते हैं कहाँ तक पहुंचते हैं भाई, गांव तो जा लिया पीछे। तो भाई ने 2 किलोमीटर आगे बताया था, वो फोन हो गया था गर्म इसलिए बना ही नहीं मैंने वीडियो। चलो आगे देखते हैं। आगे है भाई बॉर्डर, और बॉर्डर भाई बॉर्डर ही होता है, देश की सुरक्षा का सवाल है। मैं आगे आपको कमी कुछ बता पाऊंगा, आप भाई खुद देख लेना क्या है क्या नहीं है। कोई भाई सारे बाजी नहीं होगी अपने वीडियो में, कहाँ पे क्या है। और सभी का वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। यहाँ भाई लास्ट एंड है, ये आगे वो आर्मी कैंप ही है, तो ये चेतावनी पढ़ लो, आगे जाना सख्त मना है बिना परमिशन के। यहाँ से चलते हैं भाई अब वापिस, रेलवे वगैरह बना लिए यहाँ पे। और भाई अब यहाँ से वापिस जाने में फायदा क्यों, अपन को कल्पा जाना है। अब इंस्टाग्राम भाई जो फॉलो करो यार, आपका वीडियो देखने का बहुत 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 धन्यवाद भाइयों। राम राम सभी भैया ने, अगली वीडियो मिलेंगे कल्पा तक का सफर, यहाँ से कल्पा तक का सफर में। चलो भाई ये होता जा रहा भाई पीछे।